हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका मेरे चैनल सौम्याज किचन में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज बना रहे हैं व्हाइट सॉस से बनी मैक्रोनी से भरा हुआ बन, स्टफ्ड बन। सबसे पहले गैस पर एक फ्राई पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मक्खन और साथ ही 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे। मक्खन और मैदा को मीडियम स्लो हीट पर 1 मिनट तक भूनेंगे। एक मिनट के बाद फ्राई पैन में डालेंगे 1/2 कप प्याज, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/4 कप गाजर और 1/4 कप कॉर्न और सभी सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पर भूनेंगे। अगर मक्खन कम लगे तो 1 टीस्पून मक्खन और डाल लें। मैं 1 टीस्पून मक्खन और डाल रही हूँ। मैदा और सब्जियाँ भुन चुकी हैं, अब इसमें 1/2 कप दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। जब सॉस ठीक हो जाएगी तब इसमें 1/4 कप दूध और डाल देंगे। इसमें टोटल 3/4 कप दूध डाला है। अब 1.5 कप उबली हुई मैक्रोनी को डालेंगे और मिक्स कर देंगे। अब सीजनिंग डालेंगे, 1/2 टीस्पून ऑरेगेनो डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और मिक्स कर देंगे। लास्ट में डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च और मिक्स करेंगे। व्हाइट सॉस थिक हो चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और मैक्रोनी को ठंडा होने देंगे। अब बन में लगाने के लिए एक सॉस बनाएंगे। एक बाउल में 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून शेजवान सॉस डालेंगे और 2 टेबल स्पून मेयोनीज डालेंगे। मिक्स करेंगे। बन को खोखला कर लेंगे। अंदर की तरफ से बन को खाली करना है, नीचे की तली एकदम प्लेन रहनी चाहिए। जो निकली हुई ब्रेड है उसको ब्रेड क्रम्स की तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी बन को खोखला कर लेंगे। जो सॉस बनाई है उसको बन के अंदर चारों तरफ मैक्रोनी ठंडी हो गई है। मैक्रोनी में 1/4 कप प्रोसेस चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। मैक्रोनी बन में भर देंगे। ऊपर से चीज़ को ग्रेट कर देंगे। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरेगेनो डाल देंगे। चीज़ के मेल्ट होने तक अवन में गरम कर लेंगे या तवे पर गरम कर लें। बन गरम हो चुके हैं, अब सर्व करेंगे। आप बन को ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, चाहे काट करके सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बन काट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बन कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप एक बार ज़रूर बना करके देखें। आप इन बन को बच्चों के लिए टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू।